जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर मनोवर जमा को हैदराबाद पुलिस ने रिलीजियस सेंटीमेंट्स हर्ट करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मनोवर जमा एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, खासकर मुसलमानों से जुड़े मुद्दे उठाते रहते हैं। YouTube पर इनका एक चैनल भी है जहां 30 लाख से ज़्यादा लोग उन्हें फॉलो करते हैं और उन्हें पसंद भी करते हैं। उनके कई वीडियोस वायरल भी होते रहते हैं। अब उनकी गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। 3 दिन पहले उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। अब उन्हें हैदराबाद टास्क फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी का जो ये मामला है वो हिंदू सेंटीमेंट्स से जुड़ा हुआ है। दरअसल सवाल सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से यति नरसिम्हानंद हो या फिर नितेश राणे हो, इनके भी जो बयान होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा भड़काऊ होते हैं। तो लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया अभी तक। दरअसल मुनव्वर जमा का जो मामला है दोस्तों, वो कुछ दिन पहले का है। दरअसल सिकंदराबाद के कुमारी गुडा में मुथैया लम्मा मंदिर में हुई तोड़फोड़ की घटना से ये मामला जुड़ा हुआ है। हैदराबाद पुलिस ने मुंबई के लोकप्रिय इन्फ्लुएंसर मुनव्वर जमा सको और उनके दो सहयोगी के खिलाफ कुछ दिन पहले मामला दर्ज किया था। इन लोगों पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और नफरत फैलाने का आरोप लगा है। दो अन्य लोगों में अब्दुल रशीद बशीर अहमद और रहमान का नाम शामिल है। ये दोनों रेजिमेंटल बाजार में मालिक और प्रबंधक हैं। अब समझिए पूरा मामला कैसे लिंक किया जा रहा है मामले को। दरअसल मुनव्वर जमा के एक प्रोग्राम में हिंदुओं के प्रति नफरत भड़काया गया, ऐसा आरोप लगाया गया। पुलिस के अनुसार भारत के विभिन्न हिस्सों से 151 लोग मुनव्वर जमा के एक प्रोग्राम में आए थे। उसमें सलमान सलीम ठाकुर उर्फ सलमान भी शामिल था। ये सलमान वही था जिसने 14 अक्टूबर को सिकंदराबाद के मंदिर में घुसकर एक स्थानीय देवता की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। उसे स्थानीय लोगों ने ऐसा करते हुए पकड़ लिया और पुलिस को सौंपने से पहले उसकी पिटाई कर दी। ये मामला काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ा था। इस मामले को लेकर के प्रोटेस्ट भी किया गया था। फिलहाल सलमान का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब आप कहेंगे कि इसका लिंक कैसे है मनोवर जमा से। दरअसल मनोवर जमा के शो में, आप कह सकते हैं उनके प्रोग्राम में, ये जो सलमान है वो अवेलेबल था और माना ये जा रहा है कि उन्हीं के भाषण से प्रेरित हो करके उसने ऐसा कदम उठाया। मुनव्वर जमा पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने न केवल धार्मिक आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया बल्कि उन्होंने प्रतिभागियों को दंगे भड़काने के लिए उकसाया। इस मामले को लेकर गोपालपुरम पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर एस सुरेश ने भी कहा कि उन्होंने सलमान को मुथैया लम्मा मंदिर में देवी की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाया। वहीं मुनव्वर जमा पर यह भी आरोप है कि उन्होंने कार्यशाला आयोजित करने की अनुमति नहीं ली थी। बशीर और रहमान ने आयोजित करने में उनकी मदद की थी। तीनों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस ने उन पर धारा 299 यानी कि जानबूझकर धार्मिक भावनाओं का अपमान करना, धारा 192 यानी कि दंगा भड़काने के इरादे से दुर्भाग्यपूर्ण या बेवजह उकसावा, धारा 196 विभिन्न आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी और घृणा को बढ़ावा देना, धारा 223 यानी लोक सेवकों के आदेशों की अवहेलना करना जिससे बाधा या खतरा हो सकता है, और BNS की धारा 49 यानी अपराध करने के लिए उकसाना। इतने सारे धाराओं के तहत मनोवर जमा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लेकिन सोशल मीडिया पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि मनोवर जमा को मुसलमान होने की वजह से गिरफ्तार किया गया है क्योंकि यति नरसिम्हानंद हो या फिर नितेश राणे, उन्होंने भी कई बार खुलकर मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए हैं, लेकिन उन पर कभी भी इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं की गई और गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। आपको बता दें कि मनोवर जमा इंग्लिश हाउस एकेडमी के संस्थापक हैं और खुद को एक प्रेरक वक्ता और
व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण के रूप में बताते हैं और उनके वीडियोस काफ़ी ज़्यादा मुसलमानों में पॉपुलर होते हैं और उन्हें लोग देखना पसंद करते हैं। लेकिन उनकी गिरफ्तारी को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं सोशल मीडिया पर, बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। और दोस्तों, आपको क्या लगता है कि उनकी गिरफ्तारी कितनी जायज़ है, आप हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। शुक्रिया।